अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अंदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो भाई रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ चुका है, ये देखें भाई। फोकस एक तो फोकस ही नहीं होता यार ये। हाँ ये देखें भाई, रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, क्योंकि ऑलरेडी सवा आठ हो चुके हैं और रमज़ान जल्दी नमाज़ पढ़ने और पहली तरावी पढ़ते, जो भी होगा सब सारे आपको दिखाते रहेंगे। जल्दी से जल्दी नमाज़ पढ़ने और डायरेक्ट मिलते हैं मस्जिद में। हाँ भाई नमाज वगैरह पढ़ने के लिए निकल चुके हैं। हाँ भाई तू ठोक ले पहले। और क्या बोलते हैं, रमजान का चांद नजर आ गया। फवाद कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह पाक हमारे को पूरे रोजे रखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अब जल्दी से नमाज पढ़ना, आपको मिलते हैं मस्जिद में। हमारी नमाज वैसे बहुत लेट हो चुकी है। अब आ गया है अपना जो है वो खाना, जल्दी से खाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है अभी। और अगर आप रोजे की हालत में देख रहे हो तो सॉरी भाई, सही है। और जो रोजे की हालत में नहीं निकले तो भाई तुम रोजा रख लिया करो। और अब जल्दी से खाते हैं खाना और फिर देखते आगे का क्या सीन है। A few inches later. Guys, खाना आ गया होगा फारिक, ये सारे आ गए, ये रहा बेड वगैरह। इसकी बाइक पर जा रहे हैं हम बोल वगैरह लेने, तो डायरेक्ट मिलता है आपको इस स्पोर्ट वाली की शॉप पे। ये पटाक वाली है, 60 वाली ले, 60 ले। इसकी कितना होगा? 240 होगा। और एक एक टेप दे दो, 300 होगा। ये बॉल टेबल ले लिए, आप चलते सीधा घर। मैच शुरू हो चुका है, मैं पहला ओवर करा रहा हूँ हमारी बॉलिंग में, देखते हैं क्या होता है। रेडी भाई, रेडी। चलो भाई दे सकते हैं इनको, मैंने आउट कर दिया इरफान भाई को, इनको ही रोते हुए घर जा रहे हैं। तीन बाल पे एक रन में चौथी बाल, रेडी। ओए नीचे, ओए यार क्या कर रहे हैं, छोड़ दिया। चौका हो गया ना भाई, हुआ हो गया, हो गया ना। चार बाल पे दो रन, चार बाल पे दो रन। भाई क्लास बोले और एक मिनट में ऑलरेडी ले चुका हूँ। एक ओवर के अंदर दो रन है, हमारी बैटिंग आ चुकी है, हमने इनकी ओवर टीम 8 रन पे आउट कर दिया, हमने 2 रन का टारगेट। अब हमारी बैटिंग देखें, बच्चे तो आ रहा था खेल तो ले पहले। मोए मोए हो गया, मोए मोए ट्राई बॉल में छक्का। फिर गई नाली में, गई मुबारक हो। उतर चुके हैं, ये विकेट है और बॉल देखे कहाँ गई है, उड़े मेरी हो। वो आ गई, आ गई। चलो भाई ये आ गई गेंद। भाई यहाँ पर जो है मैं आउट हो चुका हूँ और हमें अब 2 ओवर के अंदर 5 रन चाहिए। भाई 5 बॉल पे 1 रन चाहिए। वो जाओ, वो भाग भाग। जीत गए। चल भाई। हे तो यार मेरे से एक हो गई थी गलती, मैं कल आके सो गया और सहेली के अंदर मैं ब्लॉग बनाना भूल गया। शाबाश बेटा।
कोई नहीं, चलो आज व्लॉग बना लेंगे शहरी के अंदर, वो मसला नहीं है। वैसे तो मेरा इरादा था कि अभी व्लॉग को एंड कर दूं, लेकिन अब व्लॉग बना ही नहीं, तो इसलिए आज की भी शहरी में ऐसी व्लॉग में ले लूँगा दूसरे रोजे की। अभी वो टाइम हो रहा है भाई 3:36, अभी रोज़ा खुलने में तकरीबन 4 मिनट हैं। अभी अफ्तारी का भी टाइम होगा कम से कम 6:30-7:30 पे अफ्तारी के, तो मिलते हैं अफ्तारी के टाइम पे, देखते हैं अफ्तारी में क्या क्या बनता है फर्स्ट अफ्तार में। और भाई यहाँ जो है 5 बज रहे हैं और अफ्तारी की तक तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं देखता हूँ क्या क्या हो रहा है घर में आज। यहाँ जो है पकौड़े बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अफ्तारी मुकम्मल नहीं होती है विदाउट पकौड़े। और यहाँ पे भी वो बेसन होता है जिसमें लपेटते हैं पकौड़े वगैरह। ओए मास्टर शेफ है आपका भाई, कमेंट में बताओ कुकिंग चैनल खोल लो। बड़ा हरामी हो बेटा। हे तो भाई इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, अफ्तार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 पता नहीं या 20 मिनट रह गए हैं। तो अब दिखाते हैं कि आज फर्स्ट अफ्तार के अंदर भाई क्या क्या है। وظننت انا اني بذلك حست غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج الان كي نزداد جمالا. الله پاک سب کے روضہ کمل فرمائے امین. اس ٹائم پہ کافی شور ہو رہا تھا اس لیے میں وہی صبر نہیں کر پایا। और भाई इस पकोड़े ने चटनी के साथ भाई चस करा दी कसम से, मज़ा आ गया यार। ये देखो डिफरेंट था, दही बड़े की चटनी के साथ पकोड़ा, ओह भाई है। तो भाई मेरा पेट देखें इतना भार आ गया खा के आगे। अब सीधे चलते हैं नमाज़ पढ़ने मगरिब की, और फिर देते हैं आगे का क्या सीन है। यहाँ भाई अल्लाह के फजल व करम से मस्जिद का काम भी जारी है, इंशाल्लाह जल्दी मस्जिद बन जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। इसी माशाल्लाह खूबसूरत से रिशाद के बाद, फरमान के बाद मैं इस व्लॉग को यहीं कर रहा हूँ एंड। उम्मीद है आप लोग को व्लॉग पसंद आया, तो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको रमज़ान मुबारक का ये व्लॉग कैसा लगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। दुआ में आपके भाई को ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।